नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी देता हूँ। ये जो सामने आप एक बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इस बरगद पेड़ के साथ में सात और भी जो है बाएं और दाएं हाथ में बरगद के पेड़ हैं। ये सातों बरगद के पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सामने जो झरना बह रहा है, आप इसे गौर से देखिए। इस बरगद की पेड़ के नीचे जो जड़ है वहाँ से झरना बह रहा है। यहाँ के लोगों की मान्यताएँ हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो झरना है ये पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। पुनपुन नदी हमारे बिहार में गंगा और यमुना इतना इसको पवित्र पावन मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है, औरंगाबाद जिला अंतर्गत टंडवा थाना क्षेत्र के पांडू गांव के समीप है। उस पांडू गांव के पास में ही ये उद्गम स्थल है। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है जिसके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर हजारों साल पुरानी है। आइए मैं आपको इसके बारे में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की से विशेष जानकारी देता हूँ। जी, यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम हुआ? अभय कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पांडू के। पांडू गांव का नाम हुआ आपका? जिला कौन सा पड़ा? औरंगाबाद जिला पड़ा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये यहाँ जो है आपका, इसको कहा जाता है कि शायद पुनपुन का उद्गम स्थल है, उद्गम बिंदु है। इसके बारे में आप हमको कुछ विस्तार से बताइए कि इसकी यहाँ पर में उद्गम बिंदु कब हुई, किसने बनाया, कितना आपके उसके बारे में जानकारी है, थोड़ा हमें भी जानकारी दें आप। लोग यहाँ कहता है कि शंकर जी पार्वती जी घूमने आए थे सैर करने। जी, उस अवस्था में यहाँ कोदो के खेती होता था पहले। जी, उनके पायल के नूपल में कोदो के चल गया था एगो फंस के। जी, तो वहाँ भगवान भोलेनाथ पूछे कि ये तो चोरी हो गया देवी, मेहनत से काम जो किया उसका आप सामान चुरा के ले आए। जी, तो कहे कि प्रभु कैसे कटेगा? जी, कहे कि आप जाके वहाँ जिसका एक खेती था, हाँ, उसके यहाँ जाकर आप 12 बरस पानी भरिएगा, तब इस पाप से मुक्ति होगा। अच्छा। माता पार्वती ने आम के कहारिन के रूप में पुनिया नाम से उनके यहाँ पानी भरने लगे। पानी भरते भरते वो लोग गंगा नहाने जा रहे थे, माता जी भी पुनिया दिए कसैली अक्षत कि हमको भी गंगा जी में डाल दीजिएगा। वहाँ जाके जब इनका अक्षत कसैली डाले तो गंगा माई प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद वो कहे कि जाकर कहना पुनिया से कि उसका दिन पूर गया, अब उसको कोई जरूरी नहीं, बस यहीं पे धारा पटके है, यही वो स्थल है जो बारह महीना कभी भी पानी नहीं सूखता है, का जड़ा का गर्मी का अकाल भी पड़ता है, 66 के अकाल भी पड़ा था उसमें भी ये नहीं सूखा था। अच्छा, पानी यहाँ पे सालों भर भरते रहता है? सालों भर रहता है। अच्छा, इतिहास क्या है यहाँ पे, कैसे पुनपुन नदी का यहाँ पे शुरुआत हुआ? वो जब पार्वती जब पानी भरते थे कहारिन के रूप में, यहीं पे घैला वहाँ जो पर जो मेन है, हाँ, वो इंदिरा में है, हाँ, वहाँ से पानी लेके आए, हाँ, और वो आगे थोड़ा आगे पहुँचे और कहे कि हमारा क्या हुआ, तो बोले कि तुम्हारा दिन पूर गया पुनिया, बस यहीं पटके घैला, अब यहीं से पुनपुन उमड़े हैं। अच्छा, यहीं से विस्तार है इनकी। कोई ऋषि मुनि के बारे में भी कुछ सुनने में आ रहा है कहानी, कोई ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या क्या करते थे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? हाँ, हम लोग भी सुने हैं कि पराशर जी का ये तपोभूमि है। अच्छा, जहाँ गणेश भगवान जो पराशर मुनि का मूस जो सब गिरा दिया था, उनका आश्रम उश्रम ढा देता था, यही भगवान गणेश भी आए थे मूस पकड़ने, वही मूस भगवान गणेश का सवारी बना है। अच्छा, तो मतलब कि ये सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराना है? हजारों साल पुराना है। अच्छा, यहाँ पे क्या और पूजा पाठ वगैरह सब कब होता है यहाँ पे? यहाँ पर सावन में अभिषेक होता है जी, शंकर जी का जी, धूमधाम से अखंड होता है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। अच्छा, हाँ, मेला में काफी भीड़ होती है? खूब भीड़ होता है। कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, मेला में 12 गो गांव है, पूरा ग्रामीण का भीड़ होता है, इतना जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होता है इसमें। अच्छा, चलिए, आस्था है यहाँ पर में। ये अभी अभय सिंह जी हैं, पांडू के रहने वाले हैं, इन्होंने यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूँ।
ये पुनपुन का उद्गम स्थल है, उद्गम बिंदु है, पवित्र नदी है बिहार के लिए। इसको जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है गंगा के तुल्य मानते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा हो या मकर संक्रांति हो, ये सब जो भी ऐसे त्यौहार आते हैं, छठ त्यौहार है, ये सब पुनपुन में लोग करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आज मेरे लिए भी बड़ा ही भाग्यशाली दिन है मेरे लिए कि मैं इस पवित्र स्थल पर आया हूँ, पवित्र भूमि पर आया हूँ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।